नामिका नाग मिसाइल करियर वाहन से नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टेस्ट फायरिंग। गुरुवार सुबह 6:45 बजे भारत ने गुरुवार द 22 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक एक वारहेड के साथ किया, जिसके बाद अब हथियार प्रणाली है भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहा कि भारत ने आज DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया। मिसाइल प्रणाली अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है, जो दुश्मन के टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए ऐसी मिसाइल प्रणाली है। नवीनतम ATGM DRDO की स्वदेशी वॉरहेड की सूची में एक और पंख है। पिछले 1.5 महीने में DRDO ने कम से कम 12 मिसाइल और सिस्टम परीक्षण किए हैं, जो कई लड़ाकू आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नाग मिसाइल करियर नामिका से दागी गई नाग मिसाइल प्रणाली हमारे लक्ष्यों को 4 से 7 किलोमीटर की सीमा तक ले जा सकती है और इसे अपने लक्ष्य के लिए घर पर एक उन्नत साधक के साथ फिट किया जाता है। NAG मिसाइल तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसमें शीर्ष हमले की क्षमता है, जो दिन और रात के दौरान सभी ज्ञात दुश्मन टैंकों को प्रभावी ढंग से संलग्न और नष्ट कर सकती है। सेना को आग और बूंद क्षमताओं के साथ 2.5 किलोमीटर से अधिक की स्ट्राइक रेंज के साथ तीसरी पीढ़ी के ATGM की जरूरत है। उन्हें अपने रूसी BMP वाहनों पर ले जाने के लिए अपनी यंत्रीकृत पैदल सेना इकाइयों से लैस करने की आवश्यकता है। सेना वर्तमान में दूसरी पीढ़ी के मिलान -2T और कोनकोर ATGM का उपयोग कर रही है और तीसरी पीढ़ी की मिसाइलों की तलाश में है, जो दुश्मन के टैंकों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय ने 2018 में भारतीय सेना के लिए 300 नाग मिसाइलों और 25 NAMICA का अधिग्रहण किया था। देखने के लिए धन्यवाद। इंडियन मिलिट्री अफेयर्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए।